हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस एफ स्टिचिंग स्किल्स। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुर्ती की ड्राफ्टिंग। इस वीडियो को एंड तक देखिए और एक भी स्टेप मिस मत कीजिए। स्टिच कुर्ती से मेजरमेंट कैसे लेते हैं ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया है। अगर आपसे हमारी वो वीडियो मिस हो गई है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास मेजरमेंट है। ये हमारा मेजरमेंट इंचेस में है, मैं आपको सेंटीमीटर्स में दिखाऊंगी। ये वाला जो मेजरमेंट है हमारा, ये फिटिंग वाला मेजरमेंट है। इसके बाद हमने उसमें 2 इंचेस एक्स्ट्रा मार्जिन के ऐड किए हैं। एडिंग के बाद जो हमारा मेजरमेंट है उसको 2 से डिवाइड करेंगे और जो मेजरमेंट आएगा उसी से हम कुर्ती की ड्राफ्टिंग करेंगे। शोल्डर 6.5 इंचेस, नेक की ब्रॉडनेस है 3 इंचेस, आर्म होल की लेंथ है 7 इंचेस, हाफ इंच डाउन करेंगे शोल्डर को। शोल्डर टू वेस्ट लेंथ है 15 इंचेस, शोल्डर टू हिप लेंथ है 21 इंचेस। स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट है 11 इंचेस, वेस्ट है 10 इंचेस और हिप है 12 इंचेस। पॉइंट टू पॉइंट ड्रॉ करेंगे। बॉटम है हमारा 13.5 इंच, स्लिट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्लिट्स के कॉर्नर को 1/2 इंच ट्रिम कर देंगे। आर्म होल की लेंथ का मिड पॉइंट को मार्क करेंगे, उसी मिड पॉइंट से हम कर्व लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए 1/2 इंच डीप कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये हमारी साइड की फिटिंग है जिस पर हम स्टिच करेंगे। फ्रंट नेक है 6.5 इंचेस, बैक नेक है 4 इंचेस, इसको भी हम ड्रॉ कर लेंगे। कुर्ती की लेंथ है 43 इंचेस। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।